संस्कृत भाषा मधुरा भाषा, देव भाषा, दिव्य भाषा रूपी संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह संपन्न। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया, द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और बीबीसी 24x7 में। सिलीगुड़ी के मध्य शांति नगर में विनय मोर पाइपलाइन के पास विपुल मोर नामक के स्थान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे भारत माता अभिनंदन संगठन के राष्ट्रीय सभापति ऋतु गार्ग जी, साहित्य के जाने माने लेखक देवेंद्रनाथ शुक्ला, पंडित आशुतोष चक्रवर्ती जी और संस्कृत संभाषण शिविर के उत्तर बंगाल के मुख्य प्रांत अध्यक्ष सिद्धिनाथ पाठक जी। सभी ने इस तरह के संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अत्यंत आवश्यक है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी अपनी भारतीय भाषा, देव भाषा, संस्कृत भाषा को जाने पहचाने, उसे समझे और अपने जीवन में अनुसरण करके शामिल करे। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने 10 दिनों तक संस्कृत भाषा सीखी, उसके बारे में जाना समझा, उन्होंने संस्कृत में छोटे छोटे श्लोक मंत्र और छोटी छोटी बातें कही, वाक्य बना करके कहें, जिसे सुन करके पूरा माहौल संस्कृतमय हो उठा। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ऋतु गार्ग, देवेंद्रनाथ शुक्ला अपने वक्तव्य में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमें नियमित रूप से करवाने होंगे ताकि बच्चे संस्कृत को पूरी तरह से अपने शिक्षा में, अपने जीवन में समाहित कर सके और यह जाने कि यह दिव्य और देव भाषा है। 5 साल की छोटी सी बच्ची ने जब संस्कृत में 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ी, वह भी कविता के रूप में, तो सभी आश्चर्यचकित हो उठे। और हो भी ना क्यों, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 5 वर्ष के अल्प आयु में एक बच्ची ऐसी भी कर सकती है। बच्चों ने कहा कि हमें ऐसा लगता था कि संस्कृत भाषा वाकई कठिन भाषा है, जो हमें भी लगता है, लेकिन जब गुरु साक्षात माँ सरस्वती के तरह हो और दोस्ताना माहौल में संस्कृत को सिखाने का बीड़ा जब लिए हों, तो कोई भी चीज असंभव और कठिन सा नहीं लगता है, कठिन भी सरल सा लगने लगता है। जब से इस शिविर में हमने आकर के संस्कृत को देखा, सुना, समझा और अपने मुंह से बोलना शुरू किया, मैं अपनी भाषा जैसी लगती, अब हमें संस्कृत कठिन नहीं लगती। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप जला करके किया गया। सभी बच्चों ने संस्कृत में मंत्रोच्चारण किए, शांति मंत्र पढ़ा। उत्तर बंगाल प्रांत के शिविर के अध्यक्ष सिद्धिनाथ पाठक ने कहा कि पूरी तरह से निशुल्क शिविर का आयोजन हम सिलीगुड़ी के हर कोने कोने में कर रहे हैं। जो भी बच्चे बड़े सीखना चाहे, वह इस लाभ को उठा सकता है। सिद्धिनाथ पाठक जी का कहना था कि उनके शिष्य सहयोगी शिक्षक जब जय पांडे ने 10 दिनों तक शिविर का परिचालन किया। अब आपको मैं बता दूं, अगर आप व्यक्ति विशेष और शिशु बाल वयस्क अगर रुचि रखते हैं संस्कृत को सीखने के प्रति, तो वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया होगा संस्कृत भारती उत्तर बंग प्रांत अध्यक्ष सिद्धिनाथ पाठक जी का। शिक्षक अपने गुरुदेव से संपर्क करें और उनके साथ निशुल्क यह शिक्षा को ग्रहण करके भगवान के करीब जाएं। कहने का अर्थ है कि ईश्वर जब इस धरा पे थे या आज जहाँ कहीं भी हैं, वह संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। इसी कारण से संस्कृत को देव भाषा का उपाधि भी मिला है। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम पुनः आपके साथ मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो और आप जल्द से जल्द देव भाषा को सीख करके उसे अनुसरण करें और प्रभु के और करीब पहुंच जाएं। श्री हरि नारायण, नमो नमः, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। किमस्ति आम्रफलमस्ति।
किमस्ति वायुयानम् अस्ति, किमस्ति जलीय अस्ति, किमस्ति चिल्लिका अस्ति, किमस्ति जोश अस्ति, किमस्ति अंशः अस्ति, किमस्ति औषधम् अस्ति, किमस्ति कार्यानम् अस्ति, किमस्ति उपनेत्रम् अस्ति, किमस्ति कजः अस्ति, किमस्ति कार्तिकः अस्ति, किमस्ति दर्पणः अस्ति, किमस्ति मार्जनी अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिरामवरं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। मंजू जी, ऋतु जी, अत्रत्य सुधी अस्माकं आशुतोष चक्रवर्ती महाभागा उपस्थिताः अन्याः सुधीजना भ्रातरः भगिन्यश्च, वयम् अद्य सरस्वती मातुः कृपया हमारा भी पूर्ण सहयोग रहेगा। हम भी चाहते हैं कि भारत माता अभिनंदन संगठन के तत्वाधान में भी संस्कृत भारती के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो, जो हम बच्चों को आगे लाए, बच्चों में अपने देश की भाषा के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करें और उन्हें जाने संस्कृत भाषा का जानना कितना अनिवार्य है और उसको जानने से हमारी अंतर की जो अनुभूति होती है उसे हम साक्षात्कार करते हैं। और आज नवरात्रि का शायद दूसरा दिन है, इसी पर मैं माँ दुर्गा देवी को नमस्कार करती थी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भारती, वंदे मातरम्, भारत माता की जय।